इफाकी वजीर बाबरगौरी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ बंदों के दौरे के दौरान रिलीफ और इमदादी कामों का जायजा लिया। हैदराबाद के हसास करा दिए जाने वाले सहरिश नगर, कासिमाबाद, हुसैनाबाद और लतीफाबाद के बंदों के दौरे के दौरान उन्होंने मुतहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से लगाए गए कैंप्स का भी मुआयना किया। इफाकी वजीर ने बंदों की सूरत हाल का जायजा लेने के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उम्मीद है कि सैलाबी रेला बगैर किसी नुकसान के गुजर जाएगा, ताहम आवाम आंखें खुली रखें और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि अगर पुश्तों की मरम्मत का काम होता रहता तो हैदराबाद को कोई खतरा न होता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर राबता कमेटी के रुकन रजा हारून और वफाक की वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर खान गौरी ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हैदराबाद के आवाम में पाए जाने वाली बेचैनी के पेश नजर लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों जवेरियाबाद, लतीफाबाद नंबर 2, भिटाई चौक और लतीफाबाद पौने 10 ईद मिलादुन नबी चौक पर दुकानदारों और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर इनके हमरा अंदरून सिंध तंजीमी कमेटी के रुकन फरीद अहमद, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के जोनल इंचार्ज मोहम्मद शरीफ, अरकीन जोनल कमेटी और रुकन कौमी असेंबली सैयद तैयब हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर दुकानदारों और आवाम से गुफ्तगू करते हुए बाबर खान गौरी ने कहा कि एनक्यूएम सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और हमने रंगो नस्ल और मजहब और लिसानी अकाइयों से बालातर होकर सिर्फ आवाम की खिदमत की, जबकि कुछ अनासर नहीं चाहते कि सिंध में रहने वाले लोगों के दरमियान इत्तेहाद पैदा हो और वो सब मिलकर कुदरती आफात का सामना करें। इस मौके पर दुकानदारों और आवाम ने एनक्यूएम की जानिब से की जाने वाली हिफाजती काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भी एनक्यूएम के कारकुनान के शाना बशाना है और जरूरत पड़ने पर वो भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत बोल मुतासर पर देखा ईंदड़ इमदाद से कस्टम टर्मिनल पोर्ट चार्जिस न लगाने जो ऐलान किया है। कराची में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पोर्ट एंड शिपिंग बारे वफाकी वजीर बाबर खान गौरी चयो तो वफाकी हुकूमत परडेह में रहंदड़ पाकिस्तान के मुतालबे से बोर्ड मुतासर लाए ईंदड़ सामान से कस्टम टर्मिनल पोर्ट चार्जिस न लगाने जो फैसलो करो है। उन्होंने चयो तो 2005 में खैबर पख्तूनख्वा में जिलजिले वक्त मुतासर लाए आयल इमदादी सामान से को भी टैक्स न लगाया वो हो। वफाकी वजीर बाबर गौरी चयो तो तारीख के बदतरीन बोल के मुंह नण लाए आवाम से गड आयू और मानन की जान की हिफाजत करे सनन पे करण पे तरजीह है।